हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए कश्मीर की डिश कश्मीरी दम आलू बनाने की एकदम परफेक्ट रेसिपी लेकर आया हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं कश्मीरी दम आलू बनाए कैसे जाते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। उसके बाद आप भी इस तरीके के सॉफ्ट और स्मूथ दम आलू बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू चाहिए होंगे। यहाँ पे मैंने 1 केजी आलू लिए थे। आलू को अच्छी तरह से पील कर लिया है। उसके बाद आलू को मैंने पानी में डुबो के रखा है। पानी में डुबोने से क्या होता है, इनका कलर डार्क नहीं होता है, एक जैसा कलर बना रहता है। ये वो आलू है जो मैंने पानी में डाल के रखे थे ताकि बाहर से डार्क नहीं हो जाए। अब इनको हमने सुराख करने हैं, होल करेंगे इनको। यहाँ पे मैंने टूथपिक लिया, आपके पास टूथपिक ना हो आप कोई भी पिन का यूज़ कर सकते हैं। इनको सुराख करेंगे, इस तरह से करने हैं। जितने भी आलू हमने लिए हैं सभी के सभी आलू को हमने होल करने हैं, सुराख करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आलू बचा था, इसको भी मैंने होल कर दिए हैं, सुराख कर दिए हैं। अब इनको हम बॉयल करने के लिए चढ़ाएंगे। पानी बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया। सबसे पहले नमक ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद आलू भी हम बॉयल करने के लिए चढ़ा देंगे, जिनको हमने होल करके रखे थे, सुराख करके रखे थे। आलू को बॉयल होने में 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट तक इनको हमने बॉयल करना है। गैस की फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखनी है। ऊपर से कवर करके इनको बॉयल करेंगे। पूरे 10 मिनट का समय इनको बॉयल करने का लगेगा। आलू को बॉयल होते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। अब पता कैसे लगेगा आलू बॉयल हो गए हैं या अभी कम हुए हैं। ऐसे एक आलू को निकाल देना है और ऐसे साइड से देख लेना है, नहीं तो आप टूथपिक की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू बॉयल हो चुके हैं। उसके बाद इनको ठंडा करेंगे। उसके बाद जो आलू हमने बॉयल किए थे उनको ठंडे पानी में डाल के रखा है। ठंडे पानी में डाल के इसलिए रखा है ताकि जल्दी ठंडे हो जाएं। उसके बाद इनको फिर से सुराख करेंगे। यहाँ पे मैंने टूथपिक ली है, फिर से सारे आलू को सुराख कर देने हैं। आलू सुराख करने के बाद हमने पानी में नहीं रखने हैं, दूसरे बाउल में रखेंगे। तो इस तरह से सारे आलू को सुराख कर देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे आलू को मैंने सुराख करके रख दिए हैं, होल करके रख दिए हैं। इसमें से 3-4 आलू टूट गए थे, शायद ज़्यादा बॉयल हो गए थे, तो चलो उनको छोड़ो। जो बचे थे उनको मैंने सभी को सुराख कर दिए, सभी को होल कर दिए। अब इनको हमने फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में तेल डाला है, तेल गर्म हो जाएगा। उसके बाद आलू डालने हैं। आलू कौन से डालने हैं, जो बॉयल करके रखे थे, जिनको सुराख किए थे वो वाले आलू डाल देने हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे आलू एक एक करके डाल देने हैं तेल में। आलू फ्राई होने में 5 मिनट लगेंगे। कम क्वांटिटी में आलू बना रहे हैं, जल्दी फ्राई हो जाएंगे। अगर ज़्यादा बना रहे होते तो ज़्यादा टाइम लगता। इनको फ्राई होने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट तक ये फ्राई हो जाएंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा जो आप दम आलू के लिए आलू बना रहे हो फ्राई हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। अभी सारे तेल के नीचे हैं, जैसे ही ऊपर आना शुरू हो जाएंगे समझ लेना आपके आलू फ्राई हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, जैसे ही हमारे आलू फ्राई हो जाएंगे तेल के आना ऊपर शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक आलू ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हमने इनको निकाल देना है, इस तरह से निकाल देना है एक एक आलू। आलू फ्राई हो गए हैं। अब ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हमें दही चाहिए होगा। दही कितना चाहिए, जितने हमें आलू लिए थे। 1 केजी आलू थे, 1 केजी हमने दही लिया है। दही को अच्छे से फेंट लेना है। दही फेंट लिया। उसके बाद 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, छोटा चम्मच नमक ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद 1 चम्मच मसाला ऐड करेंगे। किचन किंग मसाले का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं। उसके बाद हमने सौंफ पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर ऐड कर रहा हूँ। जब भी हमने कोई कश्मीरी डिश बनानी है तो सौंफ पाउडर हमने डालना ही है। तो यहाँ पे मैं छोटा चम्मच सौंफ पाउडर का ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है। धनिया पाउडर भी हमने जरूरी डालना है। तो यहाँ पे मैं धनिया पाउडर ऐड कर रहा हूँ। तो उसके बाद इनको अच्छी तरह से फेंट देना है। दही के अंदर मसाले के लम्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद कोई मोटा सा बर्तन लेना है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है। सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे, 2 चम्मच ऑयल का ऐड कर रहा हूँ। तेल गर्म हो जाएगा। थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड करेंगे, 2 से 3 मोटी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग। इनको अच्छे से तिलकने देना है, तभी इनका फ्लेवर एक्टिवेट होता है। उसके बाद चाव अदरक लहसुन ऐड करेंगे। अदरक लहसुन भी मैंने चाव करके डाला है, इसकी जगह आप अदरक लहसुन की पेस्ट डाल सकते हैं। मेरे पास मेरा मिक्सर जार खराब था तो इसलिए मैं अदरक लहसुन चाव करके डाल रहा हूँ। थोड़ा सा तिलकने देना है। जब भी हम कोई कश्मीरी डिश बनाते हैं उसमें खड़े मसालों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे ही मसाले तिरक जाएंगे उसके बाद हमने रेड मिर्च पाउडर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच रेड मिर्च पाउडर की ऐड कर रहा हूँ। जब भी हम कश्मीरी दम आलू बनाते हैं उसमें हल्दी पाउडर का यूज़ नहीं किया जाता है। मिर्चों को भी थोड़ी देर भून लेना है। उसके बाद जो दही फेंट के रखी थी वो ऐड करेंगे। दही डालने के बाद हमने कंटिन्यू पलटा चलाते रहना है। पलटा हमने तब तक चलाना है जब तक दही को बॉयल नहीं आएगा, नहीं तो दही हमारी फट जाती है, कर्डन हो जाती है। तो हमने दही को तब तक पलटा चलाना है जब तक हमें अच्छी तरह से बॉयल नहीं दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दम आलू की ग्रेवी को पकते हुए लगभग 4 मिनट हो गए। 3 मिनट तक मैंने कंटिन्यू इसको पलटा चलाया, उसके बाद इसको बॉयल आ गया था। अब इसका नमक चेक कर लेना है, नमक कम लगे तो आप नमक डाल सकते हैं, अगर मसाला कोई कम लगे तो मसाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें आलू ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। मेरे को थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैं नमक ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद जो आलू फ्राई करके रखे थे वो आलू भी इस ग्रेवी में डाल देने हैं, एक एक करके ही डाल देते हैं। उसके बाद थोड़ी सी हमने कस्तूरी मेथी ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे आलू मैंने ग्रेवी में डाल दिए हैं। जितनी ग्रेवी आपको दिख रही है लास्ट में इतनी ग्रेवी आपको नहीं दिखेगी, ये आलू ग्रेवी को ऑब्जर्व कर लेंगे। तब तक कवर करके रख देते हैं, कम से कम 3 मिनट तक इसको कवर करके ऐसे ही रख देना है ताकि जो हमारी ग्रेवी है थोड़ी पतली है वो गाढ़ी हो जाए और आलू के अंदर तक ग्रेवी चली जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दम आलू को कवर करके मैंने 3 मिनट तक पकाया। चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिनट में दम आलू की ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। उसके बाद हमने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और जो बची हुई ग्रेवी है वो भी दम आलू ग्रेवी को ऑब्जर्व कर लेंगे। लास्ट में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अगर आपको दम आलू की वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।